नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। जनता के इस चैनल ने पूरा किया है शानदार सफलता का 2 वर्ष। लगातार हम आपसे यह वादा अपना दोहरा रहे हैं कि हम हमेशा सच के साथ रहेंगे। सच्ची खबरों को ही, सटीक खबरों को ही, विश्वसनीय खबरों को ही आप तक पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा है। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर रामबाग दरभंगा। एडमिशन ओपन, गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, नियर WIT दरभंगा। एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020, नंबर 1 इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिजल्ट्स, बिग फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलियेटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक दरभंगा। अब प्रवासियों को लेकर आने वाली गाड़ियां होंगी जब्त, गाड़ी मालिक एवं संचालक पर होगी FIR। दरभंगा के जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार तत्पर है पुलिस, बेवजह उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान। दरभंगा में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही निगरानी, गलियों और छतों पर जमावड़े की सूचना के बाद निगहबानी। लॉकडाउन में गोरखपुर से कटिहार के लिए पैदल निकल पड़े मजदूर, कहा खाने और रहने की हो गई थी भारी दिक्कत। 109 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 725 व्यक्ति आवासित, रहने खाने और चिकित्सा की है व्यवस्था। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में बालेंदु झा बालाजी लगातार कर रहे अपनी टीम के साथ राहत वितरण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में COVID-19 को लेकर बैठक आयोजित, जरूरतमंदों की मदद को लगातार आगे आया है ABVP। कालाजार नियंत्रण हेतु दवा का छिड़काव कल 24 अप्रैल से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह चेयर की होगी स्थापना। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता भरत प्रसाद सिंह एवं संतोष कुमार सिंह ने DGP एवं SSP को सौंपा आवेदन, फेकला OP के ASI पर दुर्व्यवहार का आरोप। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर DM ने किया रवाना। और मनरेगा के तहत हो रहा काम, प्रशासनिक स्तर पर हो रहा निरीक्षण भी। और खबरें विस्तार के साथ। अप्रवासियों को लेकर आने वाली गाड़ियां होंगी जब्त, गाड़ी मालिक एवं संचालक पर FIR दर्ज होगी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM का यह बड़ा फैसला आया। अप्रवासियों को लेकर आने वाली वाहनें होंगी जब्त, गाड़ी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश। लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन कर अनधिकृत तौर पर किसी न किसी वाहनों से अप्रवासियों का जिले में आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन होने से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए अनधिकृत वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगानी होगी। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित एक बैठक में कही हैं।
उन्होंने सभी SDO, BDO, CO को लॉकडाउन अवधि में अप्रवासियों को लेकर आने वाली गाड़ियों को जब्त कर एपिडेमिक एक्ट के तहत गाड़ी मालिक एवं संचालक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल अप्रवासियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा लगता है ये गाड़ी चालक इन अप्रवासी लोगों को झांसे में लेकर इनसे मनमाना पैसा वसूलते हैं और इन्हें लेकर यहां आ रहे। वरीय पुलिस अधीक्षक को भी इस बाबत कार्रवाई करने को कहा गया है। लॉकडाउन में अनधिकृत तौर पर परिचालित हो रहे वाहनों की सघन चेकिंग की जाएगी। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार तत्पर दिख रही है पुलिस। बेवजह उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान। लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने के निर्देशों के बीच लगातार दरभंगा में पुलिस दिख रही है सक्रिय। गुरुवार को सुबह से लेकर शाम तक शहर के मुख्य सड़कों के साथ साथ तंग गलियों में भी पुलिस की निगहबानी रही। शहर से लेकर गांव तक पुलिस चौकस दिख रही है। लॉकडाउन पार्ट टू में भी आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। आप एक बार फिर समझ लीजिए इसको, लॉकडाउन टू में भी आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है, यानी आम आदमी के लिए लॉकडाउन टू भी लॉकडाउन वन की तरह ही है। यानी आपको घर से बेवजह बाहर नहीं निकलना है, बहुत इमरजेंसी हो तभी आपको घर से बाहर निकलना है। बाहर निकलने का पुख्ता कारण आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वैध पास है बाहर निकलने के लिए, किसी ड्यूटी पर आने जाने के लिए, तो भी आपको यातायात नियमों का हर हाल में पालन करना है। गाड़ी के कागजात, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि दुरुस्त रखना है, वरना कटेगा चालान, भरनी पड़ेगी फाइन। दरभंगा में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही निगरानी, गलियों और छतों पर जमावड़े की सूचना के बाद निगरानी। यदि आपको लगता है कि शहर के मुख्य सड़कों पर पुलिस तैनात है, इसलिए आप पुलिस के डर से नहीं जाते, शहर की सड़कों पर नहीं निकलते और गलियों में, तंग गलियों में या फिर घर की छतों तक पर जमावड़ा करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगातार हर घर की छत कैमरे की नज़र में है। जी हाँ, ड्रोन कैमरे की नज़र में है हर घर की छत शहर दरभंगा में, और हर तंग गलियां भी ड्रोन कैमरे के नज़र की जद में है। इसलिए अगर आप लॉकडाउन के उल्लंघन के ख्याल से शहर की गलियों या फिर छतों तक पर जमावड़ा करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर कार्रवाई तय है। पिछले दिनों बेलवागंज में ऐसे ही एक व्यक्ति पर घर की छत पर जमावड़ा लगाने में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करना आपके लिए सबसे ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। 3 मई तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। इसे आप दोबारा सुन लीजिए, लॉकडाउन में आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। यह लॉकडाउन पार्ट वन की तरह ही लॉकडाउन पार्ट टू में सभी नियम आम आदमी के लिए वैसी ही हैं, जस के तस हैं। यदि आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए, एक जगह भीड़ इकट्ठा करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए गए, तो आप पर पुलिसिया कार्रवाई तय है। ड्रोन कैमरे से दरभंगा शहर के विभिन्न क्षेत्रों की तमाम गतिविधियों की पुलिस निगरानी कर रही है। लहरियासराय थाना हो या सदर थाना, दूसरे अन्य कई थानों को भी ड्रोन कैमरे से निगरानी कराने की पुलिस प्रशासन ने हिदायत दे रखी है और गुरुवार से यह पूरी तरह से काम इस पर शुरू हो गया है। लहरियासराय का लोहिया चौक हो, बाकरगंज हो, गुदरी बाजार हो, सैद नगर से मोहल्ला अभंडा तक हो, विश्वकर्मा मंदिर हो, सिनेमा हॉल, लाइट हाउस एरिया हो, इस्माइलगंज का इलाका, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5 जैसे इलाकों में ड्रोन कैमरा लगातार निगरानी रख रहा है। उर्दू बाजार मोहल्ला, करमगंज, कई इलाकों में ड्रोन से तस्वीरें लेते हुए हमारी कैमरा टीम को दिखा है पूरा ड्रोन। अगर इस ड्रोन कैमरा में आप किसी भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए, किसी के छत पर, अन्य जगहों पर भीड़ लगाते हुए नज़र आ गए, तो आपकी पहचान हो जाएगी, उस घर की, उस छत की, उस गली की पहचान हो जाएगी और फिर पुलिस करेगी कार्रवाई, सीधे दर्ज होगा मुकदमा, होगी गिरफ्तारी। इसलिए लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन में गोरखपुर से कटिहार के लिए पैदल निकल पड़े मजदूर, कहा खाने और रहने की हो गई थी भारी दिक्कत। गोरखपुर से चलकर कटिहार के लिए पैदल ही रवाना हो गए मजदूर। दरभंगा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आए ये लोग।
देश भर में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगातार जारी है और लॉकडाउन होने के कारण कई मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं, जिनका पलायन अपने घरों की ओर जाने के लिए लगातार हो रहा है। मजदूरों का पांव पैदल चलकर अपने घरों के लिए जाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सरकार और प्रशासन लगातार मजदूरों को यह कह रही है कि आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, आपके खाने रहने का इंतजाम होगा, चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध होगी, आप पूरे परिवार के साथ जहाँ हैं वहीं रहिए। लेकिन मजदूर नहीं समझ रहे, या तो ये किसी के बहकावे में आ रहे हैं या किसी अफवाह का शिकार हो रहे हैं या तो फिर इनकी नासमझी है। गोरखपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कटिहार के लिए पैदल चलकर मजदूर अपने घर के लिए रवाना हो गए। 3 दिन में ये दरभंगा पहुंचे हैं लोग। गोरखपुर से पैदल चलते हुए दरभंगा के लहरियासराय इलाके के लोहिया चौक होते हुए अपने घर गोरखपुर जाने के लिए यह 6 लोग एक साथ दिखे नजर आए। हमने इनसे बात की, इनसे हमने जानना चाहा तो इन्होंने कहा कि हम लोग लगभग 1 माह से गोरखपुर में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हम लोगों का काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है और ऐसे में खाने पीने से लेकर रहने के लिए भी दिक्कत है, न कोई रास्ता मिला न कोई सवारी, तो हम लोगों ने पैदल ही तय करना शुरू कर दिया सफ़र। दिक्कत ये हो रहा था, हम लोग का महीना महीना पूर गया था, हम लोग भर गया पैसा, हम लोग को 12 तारीख को टिप पुर गया था सर, ठीक है। अब बोलता है कि सब आदमी घर जाएगा तो हम लोग 2 आदमी रह के क्या करेंगे। विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 725 व्यक्ति आवासित, चिकित्सा भोजन एवं आवासन की हो रही व्यवस्था। 109 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 725 व्यक्ति आवासित, सभी आवासितों को भोजन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से जिन लोगों का 14 दिन पूरा हो गया था उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। आज की तिथि में जिला में अभी भी 109 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें कुल 725 अप्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 17 केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें 198 लोग आवासित हैं। इसके अलावा अलीनगर प्रखंड में 5 क्वारंटाइन सेंटर में 37 लोग, बहादुरपुर में 3 क्वारंटाइन सेंटर में 14 लोग, बहेड़ी प्रखंड में 8 सेंटर में 60 लोग, बेनीपुर प्रखंड में 2 सेंटर में 13 लोग, बिरौल में 9 सेंटर में 66 लोग, सदर प्रखंड में 3 क्वारंटाइन सेंटर में 14 लोग, नगर निगम क्षेत्र में 1 क्वारंटाइन सेंटर में 99 लोग, गौराबोराम प्रखंड में 4 क्वारंटाइन सेंटर में 39 लोग, घनश्यामपुर प्रखंड में 7 क्वारंटाइन सेंटर में 26 लोग, हनुमान नगर प्रखंड में 4 में 10, हायाघाट में 5 में 13, जाले में 6 में 21, कीरतपुर में 3 में 28, कुशेश्वर स्थान में 15 में 45, मनीगाछी में 12 में 24, सिंगवाड़ा में 3 में 12, ताड़ी प्रखंड में 2 क्वारंटाइन सेंटर में 6 लोग आवासित हैं। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 725 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना प्रतिवेदित है, जिसमें कुल पुरुष 699 और महिलाएं 14, लड़कों की संख्या 8 एवं लड़की की संख्या 4 है। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में बालेंदु झा बालाजी लगातार अपनी टीम के साथ कर रहे राहत वितरण। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में आज रत्नोपट्टी क्षेत्र में पीड़ित निःशक्त लोगों के बीच राशन वितरण किया गया। इस संबंध में बताते हुए बालेंदु झा ने कहा कि करीब 10 दिनों से लगातार राहत वितरण का कार्य निरंतर जारी है। बीच में वर्षा के कारण एक दिन सामान का कुछ नुकसान होने की वजह से सामग्री नहीं बंट पाई, लेकिन पुनः हमारी टीम राहत वितरण कार्य में फिर से लग गई है। स्थानीय राजा शाह ने बताया कि क्षेत्र के सभी संघ व भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद से बालाजी के नेतृत्व में पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम में बालाजी के अतिरिक्त विजय राय, शिव कुमार शाह, कृष्ण मोहन राय, राजा शाह, वीरेंद्र कुमार, जय भारद्वाज, मंटू कुमार, रोशन झा, प्रत्यूष, रूपम, बम बम आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में कोविड-19 को लेकर बैठक आयोजित, लगातार संगठन जरूरतमंदों के लिए आगे आ रहा है। या
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थानीय कार्यालय मिश्रटोला में एक बैठक कोविड 19 को लेकर आयोजित की गई। इस अवसर पर एबीवीपी के विश्वविद्यालय प्रमुख विमलेश कुमार ने कहा कि बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि इस वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए दरभंगा जिले में स्वामी विवेकानंद अन्नपूर्णा भंडार गृह का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य दरभंगा जिले में वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करना है जिनको वास्तविक समस्या खाद्य सामग्री की है। ऐसे व्यक्तियों की सूची सभी महाविद्यालय इकाई, नगर इकाई, जिला इकाई के कार्यकर्ताओं से मांगी गई है। साथ ही पूर्व में कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन पर व्यापक चर्चा हुई एवं इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब तक जिस महाविद्यालय व विभाग में कक्षा नहीं चल रही है इसकी सूची व जिन महाविद्यालय व विभाग में ऑनलाइन आयोजित कक्षा चल रही है उस कक्षा की गतिविधि कैसी चल रही है व ऑनलाइन कक्षा सिलेबस अनुरूप छात्रों के लिए कितना प्रभावी हो रही है इसकी चर्चा की गई। कालाजार नियंत्रण हेतु दवा का छिड़काव कल 24 अप्रैल से। कालाजार नियंत्रण हेतु दवा का छिड़काव 24 अप्रैल से। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया है कि 24 अप्रैल से कालाजार से आक्रांत सभी ग्रामों में सिंथेटिक पायरेथायराइड दवा का छिड़काव किया जाएगा। कहा कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के आलोक में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को कालाजार रोग के प्रसार को फैलने से रोकने हेतु विभागीय गाइडलाइन के अनुसार कालाजार से आक्रांत सभी गांवों में दवा का छिड़काव कराने हेतु निर्देशित किया गया है। छिड़काव कर्मी को 3 प्लाई फेस मास्क एवं ग्लव्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा। छिड़काव कर्मी को आपस में सामाजिक दूरी मेंटेन करने एवं साबुन से बार बार हाथ साफ करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि छिड़काव दल के द्वारा छिड़काव के दौरान कालाजार के मरीजों का भी पता लगाया जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बाबू वीर कुमार सिंह चेयर की होगी स्थापना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बाबू वीर कुमार सिंह चेयर की स्थापना होगी, बोले कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के 163 वर्ष पूरे होने पर बाबू कुमार सिंह विजयोत्सव 23 अप्रैल 2020 को कुंवर सिंह कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्ला की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने महाविद्यालय परिसर स्थित बाबू कुंवर सिंह की विशाल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित हुए 3 घोषणाएं की। उन्होंने विश्वविद्यालय में बाबू कुंवर सिंह चेयर की स्थापना, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कुंवर सिंह फेलोशिप तथा महाविद्यालय परिसर में बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वैश्विक कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कुंवर सिंह बहुउद्देशीय भवन में उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अमर सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्र संग्राम के महान योद्धा थे। इनके कुशल नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई हुई उसी के फलस्वरूप देश को आजादी मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने कहा कि कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी को याद करते हुए हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर इस महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मानंद सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता भरत प्रसाद सिंह एवं संतोष कुमार सिंह ने डीजीपी एवं एसएसपी को सौंपा आवेदन, फेकला ओपी के एएसआई पर दुर्व्यवहार का आरोप। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता भरत प्रसाद सिंह एवं अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने जमीन विवाद को लेकर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला ओपी में शिकायत दर्ज करने के क्रम में एएसआई रघुनाथ सिंह के द्वारा गाली गलौज करने, अपमानित करने सहित अन्य आरोप लगाते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक बिहार से लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। श्री सिंह के अनुसार 20 अप्रैल 2020 को अपने गाँव जोगियारा में जमीनी विवाद को लेकर फेकला ओपी थाना में शिकायत दर्ज कराने गए थे, जहां एएसआई श्री सिंह ने विभिन्न तरीकों से अपमानित किया, जिसके संबंध में आवेदन वरीय पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मूला टीवी Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण।
किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 to 10th ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा। क्वालिटी स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इम्पेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई क्वालिटी एंड ट्रेन्ड फैकल्टीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क, पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, वेल इक्विप्ड रिच लाइब्रेरी, सेफ कैंपस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिजनेबल फी, कम सी एंड डिसाइड। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा फॉर 11th, 12th, जेई मेन, एडवांस एंड नीट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद जीपीएस, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अप्रवासियों को लेकर आने वाली गाड़ियां होंगी जब्त, गाड़ी मालिक एवं संचालक पर होगी FIR, दरभंगा के जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार तत्पर है पुलिस, बेवजह उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान। दरभंगा में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही निगरानी, गलियों और छतों पर जमावड़े की सूचना के बाद निगहबानी। लॉकडाउन में गोरखपुर से कटिहार के लिए पैदल निकल पड़े मजदूर, कहा खाने और रहने की हो गई थी भारी दिक्कत। 109 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 725 व्यक्ति आवासित, रहने खाने और चिकित्सा की है व्यवस्था। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में बालेंदु झा बालाजी लगातार कर रहे अपनी टीम के साथ राहत वितरण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में COVID-19 को लेकर बैठक आयोजित, जरूरतमंदों की मदद को लगातार आगे आया है ABVP। कालाजार नियंत्रण हेतु दवा का छिड़काव कल 24 अप्रैल से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह चेयर की होगी स्थापना। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता भरत प्रसाद सिंह एवं संतोष कुमार सिंह ने DCP एवं SSP को सौंपा आवेदन, फेकला OP के ASI पर दुर्व्यवहार का आरोप। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर DM ने किया रवाना। और मनरेगा के तहत हो रहा काम, प्रशासनिक स्तर पर हो रहा निरीक्षण भी। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर DM ने किया रवाना। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर DM ने किया रवाना। PHED के जन शिकायत कोषांग में खराब चापाकलों की सूचना दें, जिलाधिकारी ने की आम लोगों से अपील। DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा समाहरणालय परिसर से लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल सभी प्रखंड क्षेत्रों में घूम घूम कर खराब चापाकलों की मरम्मती करेगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि आगामी गर्मी के समय में संभावित जल संकट की समस्या को ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंडों में एक एक चलंत दल भेजा जा रहा है। यह जहाँ भी चापाकल की मरम्मती की आवश्यकता होगी वहाँ जाकर यह दल चापाकलों की मरम्मती करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल दरभंगा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा जिला में संस्थापित सरकारी चापाकलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से कुल 2038 चापाकल खराब पाए गए हैं। इस चलन चापाकल मरम्मती दल द्वारा सभी प्रखंडों में जाकर पहले बंद पड़े चापाकलों की मरम्मती की जाएगी, तत्पश्चात अन्य स्थलों से खराब चापाकलों की सूचना प्राप्त होने पर उसकी मरम्मती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मदद से जिला में बंद पड़े चापाकलों की मरम्मती कराई जाएगी। कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों में चापाकलों की मरम्मती हेतु जन शिकायत पुस्तिका संधारित की गई है, जिसमें संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और जिला जन शिकायत दूरभाष संख्या अंकित है। इसके अतिरिक्त विभागीय जिला जन शिकायत दूरभाष संख्या 0627222025 एवं ई मेल
eepheddarbhanga@gmail.com पर भी चापाकल मरम्मती हेतु सूचना दी जा सकती है। जो जलस्तर का नापी किया गया है, अभी कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले गर्मी का सीजन में जून महीने के लिए तैयारियां की गई हैं। 18 गाड़ियां का रवाना की जा रही है। जहां पर भी चापाकल का मरम्मती का आवश्यकता है, वहां जाकर के दल चापाकल मरम्मती करेगी। पिछले साल हम लोग जल संकट से बहुत दिक्कत में थे, इस साल पहले से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रकार का स्थिति उत्पन्न नहीं हो, और अभी भी हम लोग कई जनप्रतिनिधि से संपर्क करके मरम्मत योग्य चापाकल लोगों का सूची बनाए हैं। कुछ दिन पहले सर्वेक्षण भी हुआ है बड़े पैमाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, तो हमारे पास अभी तत्काल जो मरम्मत योग्य चापाकलों का सूची लगभग है। इसके अलावा भी PhD इंजीनियर आप लोगों को बताएंगे कंट्रोल रूम नंबर और JEE का नंबर आप लोगों को दे देंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम जनता को कोई भी समस्या हो, अगर आने वाले दिनों में कोई चापाकल सूख रहा है, तो ज़रूर जो है आप लोग संबंधित कंट्रोल नंबर में संपर्क करें और सूचना दें, तुरंत इन गाड़ियों के माध्यम से उसका मरम्मती की जाएगी। और मनरेगा के तहत हो रहा काम, ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को काम दिलाने की कोशिश, प्रशासनिक स्तर पर हो रही निगरानी भी, निरीक्षण भी किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य लगातार हो रहा है मनरेगा से काम, और मनरेगा कार्य का निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। ये जब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अप्रवासियों को लेकर आने वाली गाड़ियां होंगी जब्त, गाड़ी मालिक एवं संचालक पर होगी FIR, दरभंगा के जिलाधिकारी का बड़ा फैसला। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार तत्पर है पुलिस, बेवजह उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान। दरभंगा में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही निगरानी, गलियों और छतों पर जमावड़े की सूचना के बाद निगहबानी। लॉकडाउन में गोरखपुर से कटिहार के लिए पैदल निकल पड़े मजदूर, कहा खाने और रहने की हो गई थी भारी दिक्कत। 109 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 725 व्यक्ति आवासित, रहने खाने और चिकित्सा की है व्यवस्था। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में बालेंदु झा बालाजी लगातार कर रहे अपनी टीम के साथ राहत वितरण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में COVID-19 को लेकर बैठक आयोजित, जरूरतमंदों की मदद को लगातार आगे आया है ABVP। कालाजार नियंत्रण हेतु दवा का छिड़काव कल 24 अप्रैल से। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह चेयर की होगी स्थापना। दरभंगा जिला बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता भरत प्रसाद सिंह एवं संतोष कुमार सिंह ने DGP एवं SSP को सौंपा आवेदन, फेकला OP के ASI पर दुर्व्यवहार का आरोप। चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर DM ने किया रवाना। और मनरेगा के तहत हो रहा काम, प्रशासनिक स्तर पर हो रहा निरीक्षण भी। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 289 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। अपनी दूसरी वर्षगांठ पर हम फिर अपना वादा दोहराते हैं कि हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे, हमेशा सच के साथ रहेंगे, शोषितों पीड़ितों की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज बनेंगे जो बेजुबान हैं। संतोष को विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।